नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हरि ओम। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मित्रों, आज मैं आप लोगों को गौड़ा धन प्राप्त करने वाला सबसे सरल आसान विधि बताऊंगा। हमारे भारत वर्ष को सोने की चिड़िया कहा जाता है, क्योंकि प्राचीन समय में वनस्पतियों के द्वारा हमारे भारत भूमि में स्वर्ण निर्माण होता था। मैंने बहुत सारे वीडियो में भी सोना बनाने का सरल आसान विधि भी बताया हूँ। लेकिन मित्रों, बहुत से लोगों के लूटपाट की वजह से आज से सैकड़ों साल पहले बहुत ही ज्यादा लूटपाट हुए धन दौलत की, सोने की। तो बहुत से राजा महाराजाओं ने या बहुत से लोगों ने सोने की रक्षा के लिए इसे जमीन पर दबा करके रखे। बहुत ही जगह पर, बहुत ही जगह जो किले हैं वहाँ पे ये देखने को मिलते, सुनने को मिलते हैं कि फलाने जगह पर इतना सोना दबा हुआ है, या फलाने आदमी ने, फलाने बुजुर्ग ने इतना ज्यादा यहाँ पे धन दबा करके रखे। लेकिन ये निश्चित जगह नहीं मिल पा रहे हैं। अगर आप भी उस प्रकार के धन दौलत को प्राप्त करना चाहते, अपनी गरीबी को मिटाना चाहते, तो अवश्य यह प्रयोग करके देख सकते हैं। कौतुक चिंतामणि रावण संहिता और वारा संहिता के अनुसार गड़ा धन कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। लेकिन आज के सम वीडियो में जो विधि बताएंगे, इस विधि को करेंगे तो बहुत ही आसानी से आसपास में जो गड़ा हुआ धन है बहुत आसानी से आप देख सकते हैं। अगर आपके भाग्य में गड़ा धन लिखा है, निश्चित रूप से मिलेगा। ऐसा नहीं, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। भाग्य में लिखा है तो मेहनत करना अवश्य पड़ेगा, तब जा करके मिलेंगे। तो कोई भी व्यक्ति, एनी बड़ी कोई भी व्यक्ति गड़ा धन प्राप्त कर सकते हैं आज के हमारे वीडियो में बताए गए विधि को करके। विधि बताने से पहले अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो प्राचीन ज्ञान की जानकारी जो वास्तु से रिलेटेड है, प्राचीन जो ज्ञान लुप्त हो चुके हैं समाज में, आज तक किसी को बताया नहीं, उस सारे जानकारी आप सभी तक भेद को पहुंचाते हैं, ताकि उन ज्ञान को समझे और समाज में आप इसका प्रयोग कर सके। अपने गरीबी मिटाने के लिए तो यह प्रयोग 100% करना, लाभ ही लाभ मिलते हैं। और इसमें मैं आप लोगों को जो गड़ा धन देखने का सरल आसान विधि बताऊंगा, कोई भी व्यक्ति कर सकते हैं। इसमें कोई भी उम्र निर्धारित नहीं है, छोटा बच्चे भी कर सकते हैं, बस सूझबूझ आ जाए। तो गड़ा धन देखने के लिए आपको करना क्या है, आम की बांदे चाहिए। ढूंढिए, बहुत ही आसानी से आम के बांदे मिल जाएंगे। बांदा किसे बोल सकते हैं, ऐसा परजीवी वृक्ष जो कि स्वयं पर न उगकर के किसी दूसरे पेड़ पर उगाते हैं। तो दोस्तों, अगर आम के पेड़ के ऊपर में कुछ वृक्ष उगाते हैं, बांदा उगाते हैं, तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए, आम की बांदे, सफेद अपराजिता, सफेद कलर की अपराजिता ढूंढने पर ये पौधे बहुत आसानी से मिल जाते हैं और माता लक्ष्मी को काफी प्रिय भी है। तो सफेद अपराजिता की जड़, अपमार्ग की जड़, अपमार्ग ये भी सफेद कलर की लेना, जिसे हम चिड़चिड़ा या लटजीरा के नाम से भी जानते हैं। तो आम की बांदे, सफेद अपराजिता की जड़ और अपमार्ग की जड़, ये तीनों की जड़ को मुख में रखने से जमीन के अंदर गड़ व धन बहुत ही आसानी से दिखाई देने लगते हैं। और इस धन को देखने के बाद दोस्तों, आप कुदाल से खन करके आप उन धन को प्राप्त कर सकते, अपने जीवन में उपयोग में ला सकते। तो धन देखने का, निधि देखने का सबसे सरल आसान विधि है। कोई भी व्यक्ति इस उपाय को करके धन देख सकते हैं। इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन ये तीनों चीज आपके पास में होना चाहिए, मुख में रखने और गड़ा हुआ धन दिखाई देने लगेंगे। तो आज की जानकारी पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगे हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।